बताइए। नमस्कार मोहम्मद चांद जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और मोहम्मद चांद जी के पास ये गाड़ी है जो कि सीएनजी में है, आयशर की है गाड़ी, है आयशर 2049। 2049 जी, है ना। तो इसका ये जो 2049 से मॉडल, ये कहाँ लिखा रहता है? मॉडल तो यहाँ नहीं लिखा होगा, मॉडल तो कागज में लिखा होता है। देखो ये रहा ना, 2049 तो ये लिखा होता है। तो 2049 का इसका मतलब क्या है? 2049 का इसका मॉडल नंबर है ये। अच्छा। गाड़ी का टेढ़ा है, आयशर है। हाँ। 2049। ओके। तो गाड़ी देखने में कुछ इस तरीके की है, और ये गाड़ी काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव इसलिए लगी क्योंकि इसका जो लुक है ना, ये सामने से तो बहुत ही अच्छा बल्कि लुक है, ट्रक एकदम फील आता है कि ट्रक है। और साथ में अगर हम साइड से इसका देखते हैं प्रोफाइल, तो साइड से आप देखो इस गाड़ी का कितना अच्छा इसका प्रोफाइल है। प्रोफाइल अच्छा है गाड़ी का, सब कुछ अच्छा दिया कंपनी ने। इसके अंदर जो कमी दी है कंपनी ने, वो ये देखिए, इसके अंदर चारों पहियों में डिस्क दी है। इसके चारों पहियों में क्या दिए? डिस्क है, डिस्क चारों पहियों में, डिस्क है इसके चारों पहियों में, डिस्क है। हाँ। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। नहीं, अच्छी बात तो है, लेकिन ये है कि लोड में डिस्क में ज़्यादातर ब्रेक लगते नहीं है, डिस्क में बहुत कम आते हैं। अच्छा। हाँ, डिस्क ब्रेक पे जो ओवरलोड में गाड़ी हमेशा चलती है तो ओवरलोड में ब्रेक कम आते हैं डिस्क पे। जो और गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उनमें क्या होता है कि आगे डिस्क देते हैं, पीछे ब्रेक शू देते हैं। इसमें पीछे ब्रेक शू नहीं है, ड्रम नहीं है इसमें, पीछे डिस्क ही दिया बस। अच्छा। ये तो ये है बस इस गाड़ी की, बाकी गाड़ी की कोई वो दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है। जो कमी दी कंपनी ने सिर्फ ये दी है कि चारों पहियों में डिस्क जो दे दिए। अच्छा जी। पहियों का टायर का साइज क्या होगा इसके? 8/25/16 है टायर। 8/25/16। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैंटर के टायर है, बड़ी गाड़ी के टायर डाल रखे हैं इसमें, छोटी गाड़ी थे, छोटे टायर थे पहले इसमें, अब हमने बड़े डाल रखे हैं क्योंकि हमारा काम ऐसा है, तो बड़ी गाड़ी का टायर। अच्छा, बड़े अच्छा, टायर इसमें मतलब आपने पहिए इसके चेंज करवा दिए? चेंज करवा रखे हैं। और जो कंपनी से जो आते हैं वो पहिए छोटे आते हैं? वो छोटे आते हैं। अच्छा। इस गाड़ी में पहिए छोटे दिए क्योंकि इसकी पासिंग कम है और छोटी गाड़ी है तो पहिए टायर भी छोटे दिए थे। अब हमने तो पासिंग हमारी ज़्यादा करवा रखी है हमने, और हमारी ओवरलोड में भी चलती है तो मंडी का काम है, इस वजह से टायर बड़े डाल रखे हैं। अच्छा। तो कितने टन में गाड़ी पास है? ये 3 टन में। 3 टन में पास है जी। और कितना माल उठा लेती है ये? 5 से 6 टन माल जाता है इसमें, हमारे लेके जाते हैं जो 6 टन माल चला जाता है। 6 टन जाता है। अच्छा, चला जाता है इसमें। और कितने का एवरेज देती है गाड़ी? ये गाड़ी 12 का एवरेज दे रही है अभी। 12 का एवरेज दे रही है सीएनजी पे है। हाँ जी। ओके। और कितना समय हो गया आपको लिए हुए? इसे 2 साल हो गए, 27 महीने हो गए इसको। अच्छा, 27 महीने हो गए जी। ओके। और कितने में पड़ी थी आपको गाड़ी है? ये 10/75 में पड़ी थी हमें। 10/75 में? हाँ जी। अच्छा, जब हमने ली थी ये 10/75 की थी। अच्छा, अब तो महंगी है। अब महंगी है। हाँ, तो पैसे बढ़ गए गाड़ी पे। अच्छा, तो इस गाड़ी को किस नाम से मतलब मेन जाना जाता है अगर कोई जैसे? इस गाड़ी को नाम से क्या, ये आयशर है, 2049 है। अच्छा, 2049 के नाम से। इसका मॉडल नंबर है 2049, इस नाम से जानी जाती है। अच्छा। चलो बढ़िया। आयशर की तो के इन्हीं चीज़ों से जानी जाती है, जैसे 30/15 है, 2049 है, 10/19 है, ऐसी जानी जाती है गाड़ी आयशर की, तो इसी जानी जाती है। इनका मॉडल नंबर यही है, जैसे हमारी का 2049 है, यही है। चलो, इसका पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की गाड़ी है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ओवरलोड में भी वैसे भी कैसे ही चलाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है। बस हमें जो कमी लगी वो सिर्फ यही लगी है कि डिस्क जो है पहिए में, बस बाकी और कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। एवरेज भी अच्छा गाड़ी का। अच्छा, ओवरलोड में भी अच्छा एवरेज दे रही है। 15-15 किलो के 2 सिलेंडर है गाड़ी में। अच्छा। और मेंटेनेंस भी नहीं है कुछ गाड़ी का? गाड़ी का कोई मेंटेनेंस नहीं है? गाड़ी का मेंटेनेंस कुछ नहीं है, सिवाय सर्विस के अलावा। अच्छा, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और इधर साइड से गाड़ी कुछ इस तरीके से है देखने में। CNG यहाँ लिखा हुआ है। सर्विस कितने किलोमीटर पर करवाते हैं? सर्विस 20,000 रुपये इसकी। 20,000 रुपये सर्विस? हर 20,000 रुपये सर्विस होती है। अच्छा, सर्विस के मामले में किस तरीके से आयशर मोटर?
सर्विस के मामले में ये देखो, सर्विस में होता क्या है कि जैसे कि सर्विस में मोबिल ऑयल चेंज होता है गाड़ी का, एयर फिल्टर, मोबिल ऑयल फिल्टर, ये चीज़ चेंज होती है, प्लग चेंज होते हैं सर्विस में, तो कोई वैसा खर्चा नहीं है। नॉर्मल खर्चा है जो और गाड़ी की सर्विस में आता है, इसका कम ही है। 4 से 5 हज़ार रुपये में सर्विस हो जाती है गाड़ी की। अच्छा, हर 20 हज़ार पे 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं, सर्विस हो जाती है। बाकी और कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई वो दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलने में भी बढ़िया है, वैसे भी ठीक ठाक गाड़ी। अच्छा, सीटिंग का एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरीके से अंदर में। गाड़ी वाकई में बहुत बढ़िया है, बेहतरीन गाड़ी है। यहाँ 1 लीटर की बोतल ही आराम से आ जाती है। म्यूजिक सिस्टम कैसा है गाड़ी का? ये म्यूजिक सिस्टम भी सही है, बढ़िया बसता है म्यूजिक सिस्टम। बढ़िया, आपका तो बजा के भी दिखा देता हूँ। अच्छा, और ऐसे ही कुछ गाड़ी यहाँ से देखने में, और मैं भी आपको चढ़ के भी दिखाता हूँ। सीटिंग की अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स कैसी है गाड़ी की? सीट बढ़िया है, फर्स्ट क्लास सीट। कैसी आगे पीछे कैसे कर लो, फोल्डिंग सीट है, तो ये वाली ये आगे भी हो जाती है, पीछे भी हो जाती है, ये भी इधर से ऐसे कर लो इसको, फोल्डिंग है, कोई बढ़िया सीट है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं, गद्दा बढ़िया दे रखा है। अच्छा, हाँ, सीट में कोई और दिक्कत नहीं है। उधर पल्ली तरफ सोफा है पूरा, 3 सवारी पास है, एक ड्राइवर, 2 सवारी कंडक्टर के साथ, एक आदमी और भी बैठ सकता है, 3 सवारी पास है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया। और एक बार में आपने कितनी गाड़ी को खींचा होगा लगातार, कितना मतलब एक बार में ही, एक सांस में हम गाड़ी जा रही, अभी जो गाड़ी चला रहे थे एक साथ में चल जाती है, 700-800 किलोमीटर खेच देते हैं हम एक साथ में। अच्छा, तो 700-800 किलोमीटर के आसपास अब? हाँ, बराबर चल जाती है गाड़ी। अच्छा, इतनी चला रखी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं करती गाड़ी, गाड़ी को तो कितना ही चला लो, लेकिन ये गाड़ी में अभी हमने 700-800 किलोमीटर एक साथ में खींची है गाड़ी, गैस डलाने के लिए रोकी थी, बाकी खींची गाड़ी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में चलने में, कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं ठंडी करनी पड़ती है, टायर गर्म हो जाते हैं, वैसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। चलो बढ़िया, तो एक बार इसका ऊपर मैं चढ़ के देखता हूँ ज़रा क्या है, कैसा है गाड़ी। तो अगर हम यहाँ से बैठ के देखें तो सर दिक्कत हो रही है, बस ठीक है गाड़ी में, ये कटआउट रखा है, ये बटन है यहाँ पर, पल्ली तरफ आपके पैर के पास लाल रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला लाल, ये है, ये बटन दे रखा है इसमें, जैसे कि गाड़ी खड़ी करते हैं तो इसको कट मार देते हैं, ओके, ताकि बैटरी डाउन ना हो या कोई भी चीज़ है, उससे ये बटन खोलो, करंट आ जाएगा, सारे सब करंट आ गया पूरी गाड़ी के अंदर। अच्छा, बैटरी पे से कनेक्शन कट जाता है उससे, ये चीज़ है, ये ऑटोमेटिक भी है, और जो 1 घंटे में गाड़ी के अंदर चाबी नहीं लगी, अपना कहिए अपना भी ऑटो कट हो जाएगा, 1 घंटे बाद जब आप चाबी लगाओगे ये बटन दबाना पड़ेगा, फिर करंट आएगा, ये ऑटोमेटिक भी है, ये चीज़ अच्छी थी गाड़ी के अंदर। इससे क्या है कि गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं, लाइट जली रहती है, तो 1 घंटे बाद मान लो रात को ऐसे लाइट जली छोड़ दिए, पार्किंग का इंडिकेटर है, पार्किंग है, लाइटें जली रहती हैं, 1 घंटे बाद अपना भी बंद हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, कट मार देगा अपना भी 1 घंटे बाद। ओके ओके, ये चीज़ अच्छी थी, 1 घंटे बाद चाबी लगाएंगे, ऑन करेंगे, तो जब तक ये बटन नहीं दबाएंगे हम, ऑन ऑफ नहीं करेंगे, करंट नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा, तो ये बढ़िया चीज़ है। हाँ, जैसे कोई आता है ना कि चोर भी आता है चोरी करने के लिए, जब तक उसको पहिए बटन नहीं खुलेगा तो करंट ही नहीं आएगा गाड़ी के अंदर, ये स्टार्ट ही नहीं होगी, चाबी ऑन ही नहीं होगी इसकी, आप कुछ भी कर लेना इसमें, बैटरी का तार भी बराबर लगे, पर ये बटन ऐसा है ऑटो कट है, ओके, अपना भी कट मार देता है। सही है, ये मीटर है इसका, बेहतरीन। तो गाड़ी इसमें अभी कितने किलोमीटर चली है? ये 1,67,250 किलोमीटर। अच्छा, इतनी गाड़ी अभी चल चुकी है जी। और ये 9810 ये क्या दिखा रहा है केजे? ये ऊपर ये वाला, ये तो उसका इंजन का है केजे, वो कोई दिक्कत परेशानी हो तो इनमें सारी चीज दे रखी है। अच्छा, कोई भी दिक्कत होगी तो इसमें सब मीटर में पता चल जाता है सब चीज़। अच्छा, ये टच है पूरा? ये नहीं, ये टच नहीं है, बटन ये है, दो ये है बटन, दो ये बटन है। ओके, इनसे ये सारा ऑपरेट होता है। जो कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा सब चीज। ओके, अब गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है तो इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है, और ये चेक लाइट भी जल्दी है, गाड़ी की सर्विस हो जाएगी तो चेक लाइट बंद हो जाएगी, ये चीज सब लिखा हुआ बंद हो जाएगा। ओके ओके, ये भी बता दिए कि कितने गैस में कितने किलोमीटर चल जाएगी। अच्छा, हाँ सही है यार।
ये गैस का मीटर है, ये हीट का मीटर है, ये एक्सीलेटर का आरपीएम है, ये स्पीड मीटर है। ओके, ये वाला। और इधर जो है कुछ ये चार्जिंग का हिसाब है, ये चार्जर लगता है, ये पंखा है, ब्लोअर है, ये ठीक है, पंखे का ये हेडलाइट है, ऊपर नीचे करने के लिए हेडलाइट, ये म्यूजिक सिस्टम है, ये हमने अलग से पंखा लगा रखा, ये लाइट है। ओके, ये लाइट भी यहाँ पे जल गई है, बहुत बेहतरीन। ये सब पकड़ रखा है, बहुत ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, और ये भी लाइट है। ओके ओके, सब लाइट जल जाती है, यहाँ भी लाइटें जल रही हैं, बेहतरीन। अच्छा, ये जो पंखा आपने लगाया, ये थोड़ा सा रिस्की सा नहीं लग रहा? नहीं, रिस्की नहीं है। नहीं, मतलब जैसे घूमते घूमते मान लो आपने ब्रेक मारा, ये जो साथ में बैठा है वो पता चला इस पंखे में जाके लड़ गया, ऐसा है जैसे कि गाड़ी चल रही है तो पंखा चला रही, जरूरत होती नहीं, शीशे खुले रहते, हवा आती रहती, ये तो खड़ी हुई गाड़ी में रात को हम सोते हैं जैसे, चला लेते हैं बिल्कुल, इसलिए सोते हैं मतलब हाथ लगेगा ना पैर लगेगा। और यहाँ पे भी एक छोटा सा एक स्पेस दे रखा है, ये क्या है? स्पेस दे रखा है सामान रखने के लिए, कागज रखने के लिए, पैसे रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए, ये भी है यहाँ पर भी दे रखा है, पर्ची वर्सी रखने के लिए, पैसे रखने के लिए, यहाँ पर फोन रखने के लिए है, इसमें फोन आ जाता है आराम से। तो इस पे बैठ के जो फील आ रहा है बहुत ही अच्छा है, ऐसा इसका स्टीयरिंग बहुत ही ऐसा फील हो रहा है, मतलब कि काफी जैसे कि गाड़ी को आराम से इजीली कंट्रोल किया जा सकता है गाड़ी आराम से। और पीछे अगर हम लोग यहाँ की भी अगर हम लोग बात करें, पीछे भी बहुत स्पेस है, जैसे यहाँ पर है ये, तो ये हेडरेस्ट है, ये है, और यहाँ है, यहाँ पे भी है, ये आग बुझाने का सिलेंडर लगा हुआ है, कंपनी ने दे रखा है, यहाँ अपने अलग से आपने डेक भी लगवा रखा है, ये लगा रखा है, यहाँ इजली पर्दे लगा रखे हैं। सही है, कुल मिला के गाड़ी है ना, यही पर्दा लगा रखा है। एसी वगैरह भी है क्या इसमें? नहीं, ये एसी नहीं है। अच्छा, इसमें एसी नहीं है। और यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स में ये भी चीज़ ठीक है, पर्दे वगैरह भी लगा दिए, बहुत बेहतरीन। चलो जी, पर्दा आपने अलग से लगवाया या आता है? अलग से लगवाया ना। हाँ, कुछ जुगाड़ तो देखो गाड़ियों में करना ही पड़ता अपना ना, ये पर्दा धूप की वजह से लगाया। और वैसे भी कई बार जैसे जाम में हम फंस जाते हैं, उधर से धूप आ रही है, दिक्कत हो रही है, गाड़ी वैसे ही करूँगी, बहुत सारी चीज़ें। चलो, ये तो गाड़ी कुल मिला के बहुत ही मुझे ठीक लगी, अच्छा है ना। अब ये बताइए कि जो नए भाई लोग हैं, अगर वो ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या आप उसको सजेस्ट करोगे? हाँ जी, गाड़ी लेना चाहे तो गाड़ी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, गाड़ी ले, बढ़िया गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। अच्छा, ऑप्शंस और भी बहुत सारे हैं अगर इसी रेंज में अगर हम लोग देखें, है ना, तो और भी आ जाता है, जैसे कि टाटा योद्धा आ जाती है, इसके बाद आपका ये बोलेरो आ जाती है, तो बोलेरो भी करीब मुझे लग रहा है वही इतने की है, है ना, लगभग बराबर ही बैठी है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, मतलब बोलेरो ठीक लग रही है या ये ठीक लग रही है या टाटा की लग रही है? टाटा वालों से और बोलेरो पिकअप से गाड़ी ये बढ़िया है। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, क्योंकि जब बोलेरो पिकअप लेते हैं तो वो भी इतने की है, ये भी इतने की बैठी है, थोड़ा बहुत 50,000 का फर्क है इन गाड़ियों में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, इस गाड़ी की पासिंग ज्यादा है, चलने में बढ़िया है। पासिंग कितनी है इसकी? पासिंग 3 टन की है। 3 टन की है। हाँ, जैसे बोलेरो की 18 क्विंटल की पासिंग है, 1.5 टन की पासिंग आती है, इसकी 3 टन की पासिंग है, ठीक है। तो है ये भी इतने की, वो भी इतने की, तो ये फायदेमंद गाड़ी। दूसरी चीज, इस गाड़ी को आप कहीं भी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बोलेरो पिकअप को नहीं, ज्यादा लंबी भी नहीं कह सकते बोलेरो पिकअप को, ये तो बड़ी गाड़ी में आ गई, तो बड़ी गाड़ी, इंजन भी बड़ा, हर चीज बड़ी चीज दी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गाड़ी बढ़िया है। अजय, मैं तो ये कहता हूँ, जब पिकअप ले बोलेरो लेने वाले हैं वो इस गाड़ी को ले रहे हैं। मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी, ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। बस पता क्या है, बोलेरो इसलिए लोग लेते हैं कि वो जो है गलियों में थोड़ा बहुत ना, मतलब ले जा सकते हैं, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। नहीं, वो तो जिनका गली मोहल्ले में काम है तो वो तो अपने लोकल के लिए तो वो तो ले सकते हैं, लेकिन जिनको जो रोड पे चलना है तो ये गाड़ी ले तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, ऐसी गाड़ी नहीं, ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। चलो, बढ़िया, ठीक है, तो अल्टीमेट मतलब गाड़ी है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, गाड़ी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास गाड़ी दी कंपनी ने, अच्छी गाड़ी दी है। लेग स्पेस कितना है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा पाँव अगर फैलाएं तो? ये तो ये बहुत है, यहाँ तक जाता है पैर, पूरा अंदर चले जाते हैं पैर, पूरा अंदर चले गए, ठीक है। ये वो देखिए, सामान रखने के लिए दिया है, चाबी से खुलता है,
चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन। ये खिड़की में बोतल रखने के लिए भी हिसाब दिया है, इधर उधर भी है, इधर भी है, बोतल रखने के लिए हिसाब दिया है सब। ठीक है, सीट ये पीछे हो जाती है, ये सीट पीछे हो जाती है, तो ये पीछे वो रखा है, कॉलम रख रखी है, इसी वजह से पीछे नहीं होती। ओके ओके, ये पीछे हो जाती है। चलिए बहुत बेहतरीन, तो मज़ा आ गया इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें जान के, है ना। तो बहुत, और सबसे मेन चीज़ ऑल इंडिया परमिट है ये गाड़ी। अच्छा, हाँ परमिट साथ आता है गाड़ी के, मतलब इस गाड़ी के साथ परमिट साथ में मिलता ही है। हाँ परमिट साथ में मिलेगा इसे। अच्छा, जैसे बुलेरो है इसके साथ में परमिट नहीं आया, इसकी मर्जी की बात है कि ले रहे चाहो ले, नहीं ले रहे चाहो नहीं ले, ये चीज़ इसमें भी है, लेकिन इसमें ये बड़ी गाड़ी है तो इसके साथ परमिट देते देती कंपनी। ठीक है, और फायदा भी है परमिट से, जैसे हम जब इधर जाते हैं ऋषिकेश जाते हैं हरिद्वार जाते हैं तो इधर टैक्स कट, जब हम बुलेरो पिकअप होते हैं तो टैक्स कटवाना पड़ता, 400-500 रुपये का टैक्स कटता है, और ये गाड़ी का टैक्स कटवाने का मतलब है परमिट है, लेके चले जाओ कहीं भी ले जाओ, पंजाब ले जाओ, ये देहरादून ले जाओ। तो ये जो परमिट है वो कैसे, मतलब वो किस हिसाब से कटता है, एक बार में ही कट जाता है, एक साल का एक बार में होता है, एक साल का एक बार में 22,000 रुपये का होता है एक साल का। अच्छा, सही है। परमिट जो है वो जो टैक्स कटवाते हैं हम, टैक्स तो कटता है कि 3 दिन का कटवा लिया, 4 दिन का कटवा लिया, इसका ऐसा हिसाब नहीं, इसका तो एक साल का 22,000 रुपये का है, एक साल तक टेंडर के। इसका परमिट आप हमने करवा रखा है, तो अब जब ख़त्म होएगा तो कंपनी से फ़ोन आ जाएगा हमारे पास कि आपका परमिट ख़त्म होने वाला है, आप परमिट करवा लीजिए दोबारा। ठीक है, कंपनी परमिट करवा के दे देती है, हम पैसे जमा कर देते हैं। चलो, तो कंपनी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ कंपनी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं, कंपनी के फ़ोन भी आते रहते हैं हमारे पास कि गाड़ी कैसी चल रही है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसे की कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन वोन आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, रास्ते बीच में भी कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो फ़ोन करो, टोल फ्री नंबर पर कॉल करो, गाड़ी आ जाओ, कंपनी से मिस्त्री आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में जो कोई भी कहीं भी हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कहीं भी फोन कर तो वहीं आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये कितना टाइम लगता है उनको पहुंचने में, आधे से पौन घंटा लगता है बस, इतने टाइम लगता है, आ जाते हैं, कहीं दूर है तो 1 घंटा लग गया, और जो आसपास शोरूम है तो 15-20 मिनट में आ जाते हैं। तो कभी आपने इस सर्विस का यूज़ किया, कभी कॉल किया? हाँ मैंने अभी किया है, खतौली में मेरी गाड़ी बैटरी डाउन हो गई थी, गाड़ी की वोल्टीमीटर ने काम करना बंद कर दिया जब मैंने फ़ोन किया था। अच्छा, तो 1.5 घंटे में आ गए थे मेरे पास, 45 मिनट में मेरे पास आ गए थे रात में, सही करके गए। कितने बजे रात की बात होगी ये, कोई 12:30-1 बज रहा था। अच्छा, तो मेरठ से गए थे या कहीं और से? मैं उधर से आ रहा था, ऋषिकेश से। आप ऋषिकेश से आ रहे थे, और वो जो सर्विस वाले देने आए थे वो किधर से आए? वो तो यहीं से गए थे, मेरठ से गए, मेरठ से गए थे, क्योंकि ये पास में पड़ता है ना सर्विस सेंटर इसका, ये बागपत रोड पे है सर्विस सेंटर इसका, इस का, तो वहीं से गए थे वो। चलिए, ये जान के अच्छा मिला कि भाई रात में भी अगर कस्टमर को जरूरत है तो आईशर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे भी जो कोई भी आसपास में, जैसे कि हमारी गाड़ी में खराब, अजय सही भी नहीं होती तो क्रैंग ला के वो गाड़ी अपने सर्विस सेंटर पे ले आते हैं, खुद चैन करके गाड़ी ले आते हैं सर्विस सेंटर पे। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि यार मतलब सर्विस में ये लोग कुछ चोरी चकारी कर लेते हैं या कमी कर देते हैं, या सर्विस के पैसे तो ले लेते हैं लेकिन सर्विस ठीक से नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी ऐसी पकड़ा दी बस, ऐसा कुछ नहीं है। आयसर में, आयसर में जो काम करते हैं उसी चीज़ के पैसे लेते हैं, जो काम नहीं करते उसको मना कर देते हैं। अच्छा, जैसे गाड़ी हमारी गारंटी में थी तो गारंटी में जो चीज़ हमारी बदली गई उसका कोई पैसा नहीं लगा गारंटी में। उसके साथ में जो अब सर्विस होती है, सर्विस चार्जर जो फ्री है, जो गाड़ी गारंटी में है फ्री है, तो उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा, सर्विस फ्री होगी। अच्छा, अब जैसे गारंटी के बाहर होगी हम सर्विस करवाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कंपनी के अंदर कि कोई धोखाधड़ी वाली बात हो या वैसी बात हो, जो काम करते हैं उसी चीज़ के पैसे लेते हैं, जो काम नहीं करते उसके पैसा कोई पैसा नहीं उसका। ठीक है, कोई ऐसी धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, जो चीज़ डालेंगे आपसे पहले पूछ लेते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, इसको करना है या नहीं करना है, कस्टमर से पूछ के उसके बाद में काम करते हैं। चलो बढ़िया, ऐसी नहीं है कि भाई कस्टमर से पूछा नहीं यार बिल बिठा दिया कि ये चीज़ डली वो चीज़ डली, ऐसा काम नहीं है। वो ड्राइवर को अपने पास रखते हैं कि जो जो कमी है इसकी बताओ, जो काम करवाना है वो बताओ। ठीक है, धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे चैनल पे आए,
आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, जो नए भाई हैं उनको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए और बोलेरो से किस तरीके से अच्छी है ये गाड़ी। तो आपने जितनी भी जानकारी दी हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक भाई हैं उनको भी अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अब तो ये चाहते हैं कि कस्टमर जो लेने वाले आदमी उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए गाड़ी। जी जी, अच्छी गाड़ी है, सब लें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, गाड़ी आप देख सकते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ, गाड़ी का मॉडल नंबर ये है और गाड़ी है आयशर की। तो जिस भी भाई को अगर लेना है तो ये बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस है आयशर की।